आप देख रहे हैं अभी आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर कृतज्ञ अनुभव करने की अभी इच्छा शेष है। तभी तो आपको बुरा लग रहा है ना कि पहले जितना कृतज्ञ अनुभव करती थी अब नहीं कर पाती हूँ। तभी तो आप इस बात को समस्या के रूप में रख रही है, वरना ये समस्या क्यों होती। आप कहती ठीक है, तो अभी ये इच्छा शेष है कि मैं कृतज्ञ अनुभव करती रहूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, कोई कृतज्ञ कब अनुभव करेगा? जब पहले उसकी हालत खराब हो और कोई बचाए। आपके भीतर अभी इच्छा शेष है कि आप कृतज्ञ अनुभव करती रहें, और कृतज्ञता अनुभव करने के लिए जरूरी है कि कुछ गड़बड़ हो और फिर उस गड़बड़ से आप उबार ली जाएं, तो फिर आप कृतज्ञ अनुभव करेंगी कि अरे मेरा सौभाग्य कि मुझे किसी ने बचा लिया। उस सौभाग्य का अनुभव हो इसके लिए आवश्यक है कि पहले कुछ गड़बड़ हो, और आप चाहती हैं कि आप कृतज्ञ अनुभव करें, तो कृतज्ञ अनुभव करने के लिए कुछ गड़बड़ होनी आवश्यक है ना, तो गड़बड़ हो रही है। आपके भीतर से कृतज्ञता जाएगी नहीं तो आपके साथ गड़बड़ कैसे होगी? और गड़बड़ होनी जरूरी है, तभी तो फिर आप और कृतज्ञ अनुभव कर पाएंगी। तो अब आपके साथ गड़बड़ होने के दिन आ रहे हैं, फिर कोई बचाएगा, फिर आप पुनः कृतज्ञ अनुभव करेंगी। भाई अगर कोई निरंतर निर्विरोध कृतज्ञ अनुभव करता ही रहे, तो कभी उसके साथ कुछ अनहोनी होगी ही क्यों? कुछ ऊंच नीच होगी ही क्यों? कि होगी, मन में यदि अनुग्रह बना ही हुआ है, मन यदि कृतज्ञता में डूबा ही हुआ है, तो धन्यता की बारिश होती रहेगी, होती रहेगी ना। और मन यदि कृतज्ञता में डूबा हुआ है तो फिर उसे कृतज्ञता का अनुभव नहीं होता, वो कृतज्ञता के प्रति नमित हो गया होता है, कृतज्ञता में विगलित हो गया होता है, मिट ही गया होता है। इतना भी वो नहीं बचा होता कि वो कहे कि मैं आभारी हूं। वो झूला देखा है ना आपने, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर जाता है और उसमें जितने लोग बैठे होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं और फिर वो नीचे आता है। नहीं, वो तो गोल वाला होता है, वो जिसमें वो एक रोलर कोस्टर देखा है। रोलर कोस्टर में सबसे उत्तेजक क्षण कौन सा होता है जिसकी खातिर लोग उस पर चढ़ते हैं? लोग पैसे क्यों देते हैं उस पर चढ़ने के? क्या इस बात के पैसे देते हैं कि सब ठीक रहे? आप रोलर कोस्टर पर क्या इसलिए चढ़ते हो कि सब ठीक रहे? कुछ बीच में ऐसा हो जाना चाहिए कि प्राण हलक में अटक जाएं, और फिर जब ठीक होता है मामला तो लगता है अरे वाह क्या बात है। हमारे लिए मात्र ठीक होना काफी नहीं है, मन को समझिएगा, मन के लिए आवश्यक है बीमार होके ठीक होना। अगर सब निरंतर ठीक रहे तो मन को मजा नहीं आता। रोलर कोस्टर में यदि सब लगातार ही ठीक रहे कि वो रेल की भांति ऐसे चलता हुआ आपको आपकी मंजिल तक ले आया, तो कोई आप बैठेंगे उस पे? आप नहीं बैठेंगे। रोलर कोस्टर में मजा ही तब है जब बीच में ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि गए, पलट गए। बुद्धि क्या भ्रष्ट हुई थी जो इस पे चढ़े। एक बार बस नीचे उतर जाए तो परमात्मा कसम दोबारा नहीं चढ़ेंगे, और फिर जब आपको नीचे उतरने को मिलता है तो आप कहते हैं पैसा वसूल हुआ भाई। तो वही हो रहा है, कुछ उपद्रव होना आवश्यक है। उपद्रव होगा, उसके बाद जब फिर कोई आएगा जो ठीक करा देगा तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा हुआ। अब बहुत दिनों से उपद्रव हुआ नहीं है। उपद्रव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कृतज्ञता थी, कृतज्ञता थी तो उपद्रव हुए नहीं। अब उपद्रव हुए नहीं है तो मन मसाले के लिए अब जरा छटपटा रहा है, कुछ उपद्रव हो ना।
देखा है जब रोलर कोस्टर में सब उल्टे हो जाते हैं तो कितनी जोर जोर चिल्लाते हैं, खासतौर पे स्त्रियां, क्या आवाजें आती हैं। आत्मिक अनुभूतियां, तन मन सब गीला हो जाता है। और फिर वो सीधा होता है, आगे थम जाता है, तब जो राहत की सांस आती है कि क्या कहने। कालचक्र इसी को कहते हैं। उल्टे दिन आने जरूरी होते हैं ताकि सीधे दिनों का महत्व समझ में आए, और उल्टे दिन आएंगे कैसे यदि कृतज्ञता बची रह गई। तो जो भी कुछ हो रहा है आप परेशान मत होइए, रोलर कोस्टर है। अब बस बुरा कुछ आने वाला है, आने दीजिए। जैसे अच्छा आया था वैसे ही बुरा आ जाएगा, जब बुरा आएगा उसके बाद पुनः कुछ अच्छा आ जाएगा। इसी को तो भवसागर कहते हैं, आदमी इसी में डूबता उतराता रहता है। चक्र का क्या मतलब होता है, वृत्ति का क्या मतलब होता है, जो गोल हो, जिसमें कभी ऊपर गए कभी नीचे आए, कभी दाएं कभी बाएं, परंतु जिससे मुक्ति नहीं है, गोल गोल घूमते रहो, फंसे रहो। ये है कहानी। आप अकेली नहीं है। पुराण कहानियां सुनाते हैं, देवता भी भूल जाते हैं, फिर जब दानवों से पाला पड़ता है तो भाग भाग के कभी विष्णु की शरण में जाएंगे, कभी शिव की शरण में जाएंगे। देवता कब जाते थे शिव की शरण में, जब पीट दिए जाते थे। जब तक पीटे नहीं जाते थे तब तक तो देवता भी नहीं याद करते थे शिव को, आप कैसे याद करेंगी। तो शिव याद आए इसके लिए जरूरी है कि पहले कुछ दानवी घटे, फिर शिव याद आते हैं ना। इसीलिए शिव होते हैं अद्वैत, और नीचे पूरा द्वैत का खेल होता है। यदि देवता हैं तो दानव भी होंगे ही होंगे, दानव ही तो फिर देवताओं को याद दिलाएंगे ना शिव की। दानव ना हो तो शिव के पास कहां जाएं, देवता जाएंगे ही नहीं। ये खेल बहुत पुराना है, चलता ही आ रहा है, परेशान मत होइए, चलता ही रहेगा। कभी भूला कभी याद किया, है ना। भगवान का भी स्वार्थ है, सब अच्छा ही अच्छा हो जाए तो उनके पास कौन आएगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुमिरन होता रहे उसके लिए दुख जरूरी है। ऐसे ही हैं हम, क्या करें। अभी बैठे हैं बैठे हैं, एक मारू चट्टे से तो बोलेगा हाय राम। ऐसे बोल रहा है कोई, एक पड़ेगी तुरंत कहेगा हाय राम, याद आ गए ना राम। तो चट्ट से पढ़नी जरूरी है। बहुत दिनों तक जब पढ़ती नहीं है राम की कृपा से, तो राम ही भूल जाते हैं,
राम की ही कृपा से बहुत दिनों तक जब पढ़ती नहीं है तो राम ही भूल जाते हैं, लगता है क्या राम ने क्या किया, राम ने क्या किया, पढ़ थोड़ी रही है। जो हो रहा है होने दीजिए। ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा, कोई नहीं बदल सकता, बदलना चाहिए भी क्यों।